मंथ बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल बुरा हाल होने वाला है। बाय बाय बेटी बाय। क्या अमाउंट है भैया ये? 5 लाख। विनर को मिलने वाले हैं 5 लाख रुपए का प्राइस। विनिंग प्राइस इतना अच्छा है, चीकू ना हर एक गेम को जीतने के लिए पूरी जान लगा देता है। थोड़ी सी एंकरिंग करूंगी और फिर चली जाऊंगी। मुझे 10,000 का टॉय चाहिए। चीटिंग नहीं होगी। नहीं, जो है बजरंग बली तोड़ दुश्मन की लली। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भैया अभी हम निकल रहे हैं शूट के लिए। आपको बता दें हमने की फैमिली फिटनेस पे अब हम गेमिंग लेके आने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त, उसी के लिए हम निकल चुके हैं। जी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ मैं और बहुत जल्दी फास्ट रेडी हुई हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई थी, रात को लेट सोई थी। बस अब निकलते हैं। तो जाने से पहले गोलू से और बेटी से मिल लेती हूँ, आज इसका बर्थडे है। 3 month बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बोल दो। जहाँ पर रेगुलर शूट होने वाला ना वो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। कुलदीप भाई को मैंने सुबह 10 बजे भेज दिया था, मैं तू जाके चेक कर ले और सारा काम वाम करवा ले, क्योंकि ना सेटअप ना आज बहुत बड़ा है और गेमिंग भी बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है। मतलब ये लगा लो कि जो आए हैं ना, जो खेलने वाले हैं, उनके साथ होने वाला आज बहुत ही ज्यादा बुरा हाल। बिल्कुल बुरा हाल होने वाला है। बस आप जो है फैमिली फिटनेस पे जब भी गेम आएगा, गेम को जरूर देखना, आपको बहुत इंजॉय होगा गेम में। और गाइस मेरा भी बहुत मन था जाने का, बट मैं इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि चीकू भी स्कूल से आएगा, प्लस तीनों बच्चे घर पर है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि दोनों अगर चले जाते तो बच्चों को मैनेज करना। तो बट मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जाऊँ। चलो बाय 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 बेटी बाय। तो रात को ना पायल को थोड़ी सी तकलीफ हो गई, 4 बजे के आसपास हम जागते रहे, 6 बजे तक। मैंने बोला चल तू हॉस्पिटल ले चलता हूँ, फिर बोले नहीं नहीं ठीक हो जाऊंगी। तो इसको ना कल क्या था ना, इसने थोड़ा सा बाहर का फास्ट फूड खा लिया था, उसकी वजह से गैस बन गई थी। हाँ, क्योंकि काफी टाइम से ना फास्ट फूड खाने की आदत नहीं रही और मैंने समोसा और साथ में चाप ये सब खा लिया था, तो मुझे गैस बन गई थी। तो बहुत देर से गोगल भैया मैं ऊपर ढूंढ रहा था और मुझे फाइनली गाड़ी में मिल गया है। मैं आपके साथ जा तो रही हूँ पर मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि आप खिलाने क्या वाले हो। गेम क्या, मैं बता देता हूँ। पहले 6 कपल हैं, यानी कि 12 लोग हैं। तो 12 लोग में से 6 कपल से हम पहले एक टास्क करवाने वाले, एक पानी का कुआं भरा हुआ बहुत बड़ा, उसमें 5 चाबियां हैं। कपल बाहर रहेगा, यानी कि एक लड़की बाहर या फिर एक लड़का अंदर रहेगा, तो चाबी देगा, चाबी जाके थोड़ा सा दूर एक ताला है वो खोल के आना, फिर फटाक से लड़की भाग के आएगी, दोबारा चाबी लेगी। जो कम टाइम में 6 में से 3 विनर होंगे, 3 को फिर दोबारा गेम कराएंगे एक और, उसमें से 2 होंगे, 2 को फिर दोबारा एक गेम कराएंगे, उसमें सिंगल विनर होगा। विनर को मिलने वाले हैं भैया फिल्म सिटी की तरफ से 5 लाख रुपए का प्राइस। वेरी गुड, 5 लाख रुपए। तो मतलब ये हो जाएगा जद्दोजहद हो जाएगी गेम जीतने के लिए, क्योंकि विनिंग प्राइस इतना अच्छा है, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है इस गेम में चीकू को होना चाहिए था, और मेरे को 101% बताया चीकू ना हर एक गेम को जीतने के लिए पूरी जान लगा देता है। मैं ये सोच रहा हूँ देखो, बड़े ये कपल तो ना सब कर रहे हैं, क्यों ना हम बच्चों का कर दे। तो इस बार अगर कपल है तो अगली बार बच्चों का करेंगे। तो गाइस आप कमेंट करके बताना आप मुझे, अगर हम ऑडिशन रख देंगे फिर हम 20 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और 20 बच्चों की एक पूरी सीरीज निकाल देंगे। वो सीरीज खत्म होगी कम से कम 3 महीने पर, गेम हम बच्चों वाला ही मजेदार सा करवाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, बड़े कपल से छोटे बच्चों का हम करा सकते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। गाइस अभी हम करने वाले हैं बहुत सारा एडवेंचर, कभी हम जाएंगे पहाड़ों में, कभी हम जाएंगे भैया जंगलों में, और हमारे साथ होगी हमारी पूरी टीम। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा टास्क चाहिए जो आज तक आपने देखा ना हो, और क्या पता आज जो टीम है वो उसको ऑर्गेनाइज कर पाए। है जी बिल्कुल, बस आप हमें टास्क बताते जाइए, कुछ हम अपनी तरफ से करेंगे, कुछ आप लोगों की करेंगे, और वो सब लेके आएंगे आपके सामने ताकि आप जो है घर बैठे हमारे इन टास्क को एंजॉय कर सके। गेम का नाम रखा है हमने जो फिट है वही हिट है। तो आज देखते हैं कौन कौन कपल आया है, कौन कौन कर पाए, क्योंकि पीछे वाले जो कपल थे ना वो थोड़े से ढीले थे, जिस वजह से काम हो नहीं पाया ढंग। हाँ, क्योंकि गर्ल्स जो थी ना पानी का था, तो गर्ल्स बहुत ज्यादा डर रही थी पानी से, मुझे ऐसा लगता है उनमें से किसी की स्विमिंग नहीं आती थी और वो अच्छे से कर नहीं पाई। पर जो आज है ना हमने अलग कैंडिडेट्स बुलाए हैं और उनसे करवाएंगे ऐसा रखा। तो गाइस एक मैं जरूरी सूचना दे देता हूँ आप लोगों को, जो भी चंडीगढ़ मोहाली या फिर आसपास के लोग हैं, जो आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बच्चों को ला सको टास्क के अंदर, तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक ऑडिशन लेंगे, उसमें जो विनर होगा हम उसमें से 20 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेली गेम हम उनको हफ्ते में 3 बारी गेम करवाएंगे ही करवाएंगे, और वो आएगा फैमिली फिटनेस पे, और जो लास्ट में विनर होगा उसको मिलेगा एक कैश प्राइज, वो भी हम डिसाइड कर लेंगे। तो पहले आप कमेंट करके बताना क्या हमें ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना जो बड़े बड़े शो होते हैं, टीवी शो होते हैं,
ना बच्चों का नंबर ही नहीं आता, मतलब जो एक्चुअल टैलेंट होता है ना वो उसका नंबर आता है 10 साल बाद, यानी कि लगा लो कि क्योंकि पहले बहुत सारे लोग होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो मेन मेन बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है उनका तो नंबर ही नहीं आ पाता। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप चंडीगढ़ के आसपास हैं तो हम ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, आप हमें कमेंट करना और फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे। गाइस लोकेशन पे पहुंच गए, हमें कंघी करके नहीं आई थी तो मैंने सोचा वहाँ पे पहुंचने से अच्छा है पहले कंघी कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, अच्छा लगेगा ऐसे जोड़ा सा बना हुआ। तो देख लो लोकेशन थोड़ी सी रफ है, रफ एंड टफ है। पायल नहीं आई आज तक इस लोकेशन में, कब आई तू, कौन से गाने पे? वो दूसरी थी बेटा, वो एचएल भी थी। अच्छा हाँ, ये दूसरी, ये दूसरी है, फिल्म सिटी है, ठीक है ना। अच्छा मुझे लगा कि मैं पहले आई थी, पहले वाली जैसी है नहीं। तो टास्क ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा लोकेशन दिखा देता हूँ। लोकेशन इतनी ज्यादा कमाल की है ना, दिल खुश हो जाएगा आपका भी। तो लोकेशन पीछे देख लो, ये वाली है, और टास्क मैं आपको फैमिली फिटनेस पे बताऊंगा। तो गाइस मुझे तो देख के ना घबराहट से हो रही है। देखो जरा यहाँ पे एक गड्ढा बना गया गया है, उसमें ना पानी भरा जाएगा और पानी में ना बहुत सारी चाबियां होंगी और सामने बिल्कुल एक दीवार बनाई जाएगी जिसपे लॉक लगाए जाएंगे। पहले जो है गर्ल या बॉय जो भी जाएगा पहले गड्ढे में जाएगा, चाबी ढूंढेगा, फिर भाग के कीचड़ में वो ताला खोलेगा। मतलब बहुत ही रोमांचक होने वाला है। एक मिनट में हीरोइन बन जाती है पायल, ना मैंने कुछ नहीं किया, देखो सिर्फ कॉगल लगाया और कंघी करी है। फिल्टर भी होता है मेरे कैमरे का कमाल तो बहुत जबरदस्त है गाइस। हमारे वाले कैमरे में ना इतनी सुंदर शक्ल आती है ना, चाहे कुछ मेकअप मत करो। मेरा ना ऐसा दिल कर रहा है कि गोलू और चीकू को भी बुलाऊंगा, वो भी एंजॉय करें इस गेम को ना, गेम सच में बहुत मजेदार होने वाला है। तो एक काम करता हूँ, मैं फोन कर देता हूँ चीकू के आते ही ले आई हो उनको, है ना। तो ऐसा करेंगे हमारी ना छोटी वाली सोन परी को भी बुला लेंगे, एक बच्चे को बुला ले। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और लोकेशन देख के तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि गेम क्या होने वाला है। तो गेम का नाम हम पहले भी बता चुके हैं पर यहाँ पे हमारा ऑलरेडी बैनर जो है लगा हुआ है, जो फिट है वही हिट है, और स्पॉन्सर बाय पंजाब फिल्म सिटी। तो हम आपको यही मिलने वाले हर टास्क। तो गाइस विनिंग प्राइस क्या होने वाला है वो दिखाएंगे मोंटी भैया। तो मोंटी भैया एक जबरदस्त ब्रीफकेस लेके आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि खाली है। खाली है भैया? नहीं जी खाली। तो क्या है विनिंग प्राइस बता दीजिए? ज्यादा नहीं है। क्या अमाउंट है भैया ये? 5 लाख। तो गाइस विनिंग प्राइस रहने वाला है 5 लाख रुपीज। और तो ये जो प्राइस है ये दे रहा है पंजाब फिल्म सिटी। तो भैया आप क्या होगा ना, थोड़े दिन बाद हम एक ऑडिशन भी करने वाले हैं, जिस जिसमें जोश होगा ना सबको हम यहाँ बुलाने वाले हैं। पीछे जाके आगे आएगा ना, फिर क्या जान तो एक बार मांगे। आज हमारी नई गेम की शुरुआत, तो शुरुआत करने से पहले भगवान जी को हाथ जोड़ लेते हैं और उनकी पूजा प्रार्थना कर लेते हैं। गणनायकाय गण दैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गणपति बप्पा। तो गाइज अभी ये गेम खत्म करके भैया हम पहुंच गए यहाँ पर, और पायल मैडम ने चेंज कर लिया है, खाना खा रही है, लेटेगी थोड़ी देर। नेक्स्ट गेम के लिए मैंने चेंज कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा क्रू भी सारा जो है खाना खा रहा है, लड़कियाँ थक गई होंगी। जो गेम था वो ट्रैक्टर खींचने का, उसमें बहुत एनर्जी लगी होगी, तो पहले हमने बोला पेट पूजा कर लो फिर करेंगे काम दूजा। तो गाइज यहाँ पर आ गए भैया, बहुत ही प्यारी प्यारी बर्फ, और यहाँ पे गेम होने वाला बहुत ही तगड़े वाला, और ये आपको दिखेगा फैमिली फिटनेस पर। तो भैया अभी काम चल रहा है यहाँ पे बहुत सारा, पायल है यहाँ पे। हाँ क्या लग रहा है यार, मुझे तो देख के ठंड लग रही है से। अच्छा। कैसे? अच्छा कपड़ों के साथ जाना है या कपड़ों के बिना जाना है? नहीं ऊपर की शर्ट उतारनी पड़ेगी। शर्ट भी उतारनी पड़ेगी? हाँ। ओहो ये तो बहुत ही ठंडा काम हो गया। तो गाइस आज एक स्पेशल डे भी है हमारा, जैसे आज गेमिंग चैनल शुरू हुआ है ना, साथ ही साथ हमारे टीम के मेंबर हमारे भैया हैरी भैया का बर्थडे है, तो यहाँ पे उनका बर्थडे जो है पूरी टीम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मोंटी पहले जरूरी है भाई, भाई खुश रहे और ऐसे तरक्की करता रहे। जितने लोग भी भैया कमेंट में हैप्पी बर्थडे जरूर लिख देना हैरी का, ठीक है ना भाई? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे मुझे पता है। बस आप सब इतना प्यार मिले इतने काफी है। अरे यार बहुत दे देंगे यार, ये तो बहुत कम है। यहाँ पे आ गई है मेरी टूबा रानी और गोलू रानी और दोनों आ गए और चीकू राजा भी आ गए हैं, और दोनों बच्चे घर पे सो रहे थे तो उसको ना दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया गोलू ने, कह रहे थोड़ी देर में क्योंकि हम लोग वापस चले जाएंगे। तो गाइस मेरा क्या मोटिव था कि ना मैं आधी गेम के लिए आई हूँ, मैं बहुत देर के लिए नहीं आई, बस मेरा मन था कि ना एक बार जाके ना थोड़ा सा एंकरिंग वैंकरिंग देख कर आती हूँ, थोड़ा सा मैं भी एंकरिंग करके आती हूँ, तो फिर बस एक घंटे के लिए आई हूँ यहाँ पे। पायल से मिलूंगी, पायल को तुबा से मिलवाऊंगी, थोड़ी सी एंकरिंग करूंगी और फिर चली जाऊंगी। पहली वाली गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। क्या थी पहली गेम? पहली गेम में ना एक ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर पे रस्सी बंधी हुई थी। अच्छा। और बाउंड्री लाइन दी हुई थी, लड़कियों को ट्रैक्टर खींच के ले जाना था हाथ से बाउंड्री लाइन।
खींचा किसी ने? तीन लड़कियों ने खींचा, तीनों ने नहीं खींचा, तीन खींचे। वाह भाई वाह, बहुत बड़ी बात है ट्रैक्टर खींचना। कितने किलो का होता है बाबू ट्रैक्टर? बहुत भारी होता है। आपके एस्टिमेट लगा सकते हो? मतलब क्या था ना, वो सड़क सी टाइप था, मतलब तीन लड़कियों से नहीं खींचा, बहुत दम लगता है। और कुछ लड़कियों ने 32 सेकंड, 34 सेकंड और एक ने 27 सेकंड। हिम्मत है यार, बढ़िया। चलो कोई नहीं, जो मेरा मन बता एक कंपटीशन देखने का था, बहुत ज्यादा वो वाला जो था ना मड वाला, मेरा मन था मड वाला कंपटीशन देखने का। मैं और ना चीकू रस्ते में बातें कर रहे फूल, मैंने कहा यार चीकू बस मड वाला कंपटीशन ना निकले, मेरा बहुत मन है। क्योंकि वो ना वो सब चीजें मैंने टीवी में देखी है, कभी रियल में देखी, तो बस मड वाले कंपटीशन के लिए आई थी मैं स्पेशली, और वो देखूंगी चली जाऊंगी। कंपटीशन मुझसे भी करवा लो पापा। मैं यही सोच रहा हूं, मैंने बताया ना बच्चों का, बच्चों का। चीकू पापा, आपके पापा ने सोचा है कि नेक्स्ट जो गेम होगा ना उसमें हम बच्चों को बुलाएंगे और उनको सिलेक्ट करेंगे गेम में। अभी भैया एक छोटा सा कॉम्पिटिशन होने वाला गोल और पाल के बीच में, बारह फिर उसके ऊपर खड़ा होना। मेरा पाल का? हाँ। मैं तो ऐसे हरा दूंगी पाल को। दोनों एक साथ खड़े होना है तुम्हें? हाँ एक साथ, तो टाइम नोट करेंगे और पहले गिरेगा जो जीतेगा ना उसको ये लेके देंगे 10,000 का गिफ्ट। कैसे, क्या लगा? पापा सुनो, जैसे मैं भी जीता ना मुझे 10,000 का टॉय चाहिए। भैया गोल और पाल आ गई है और देखते हैं कौन टाइमर। चीकू के बाद चीकू, जब मैं बोलूं ऑन कर दो ठीक है पायल, जो हाँ वही वही ऑन करना, जो सबसे ज्यादा देर तक खड़ा रहेगा वो विनर है। समझ गई ना? मैं जीतूंगी। नहीं तू समझ गई ना कि अगर कोई भी जीते 50-50 आधा आधा। हाँ आधा, चीटिंग नहीं होगी। नहीं चलो आ जाओ, वेरी गुड। ड्रामे मत करो, 10 सेकंड खड़े हो जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाना ना। चलो ऑन कर दो चीकू, वेरी गुड। जो है बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, ठंडा है पानी। ओ यार एक बात बोलू, कंपटीशन बोलना आसान है, किसने करा था आपने? वेरी डिफिकल्ट। क्या कहना चाहता है भाई? कहना यही चाहता हूँ पायल में, पायल जी जय गोलू आ रही। कुछ नहीं पता भैया, पैसे दे घर, पैर नहीं उठाने, ऐसे तो कर सकते हैं। 2 मिनट रखे रखो, इसका सुन हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसके बाद एक सूरज और कालू वगैरह। नहीं नहीं, मैं तो उतर रही हूँ, टाइम बता दे एक बार, मैं उतर रही हूँ। टाइम बता, 36-37 सेकंड। नहीं यार बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। विनर हो तुम, विनर बोलू, तू विनर है मुझे पता है। क्या नहीं मुझे पता है, चीकू पकड़ तू। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सोच रही थी पाल रुक जा। नहीं गोली विनर, नहीं मैं खड़ी रहूंगी। तू बस होगी विनर, हां डाल दो पहले, अबे नीचे तो पहले ले तो लो हाथ दे चीकू, कभी फिसल जाऊं। हो गई। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं अपने थर्ड राउंड के लिए, और थर्ड राउंड में जो है बहुत ज्यादा धमाका होने वाला है, क्योंकि वो जो गेम है ना वो हमने सबसे पहले सोचा था, लेकिन ना उस गेम में ना पूरा जितने भी लोग होंगे ना बहुत ज्यादा गंदे हो जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि लास्ट में करवाएंगे वो गेम, ताकि उसके बाद नहा धो के कंटेस्टेंट जो है विनर प्राइज ले सके। ये जीन्स कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना, कूल लग रही है ना, टी शर्ट भी सही लग रही है। हाँ सही लग रही है, और हमारी तूबा रानी भी अच्छी लग रही है। तूबा रानी को तो मैं रेडी करके लाई हूँ, तूबा रानी को तो मैंने थूकू निकालने लगी है, बहुत ज्यादा थूकू निकालने लगी है, थूकू सिंह है हमारा, थूकू सिंह। तो भैया हम पहुंच गए हमारी जबरदस्त सी गेम के पास, और चारों तरफ का माहौल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, मतलब कि ये लगा लो ये गेम सबसे हार्ड, और इसके बाद जो हार्ड होने वाले है ना वो तो भैया सब कुछ चेंज कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, और देखो लोकेशन भी बिल्कुल रफ एंड टफ लोकेशन हमने सिलेक्ट करी है, और गेम जो है गाइस बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि गेम जो है ना अरमान जी ने ढूंढ ढूंढ के अपना दिमाग चला चला के बनाए हैं। तो गाइस यहाँ की गेम हो गई खत्म, लास्ट गेम रहेगी, विजेता को मिलने वाले 5,00,000 रुपए, और बहुत ही आसान गेम है वो आपको सेट पे जाके पता लगेगा। तो गाइस रात के बज गए हैं 8:30, और सही टाइम पे ना हमारा जो गेम है ना ओवर हो गया, और मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया यहाँ पे आने का, बहुत ही मजा आया। और जो मेरा फेवरेट टास्क था ना मड वाला, मैंने वो देखा और बहुत इंजॉय किया, साथ ही साथ गाड़ी वाला टास्क था, सब टास्क देखे बहुत मजा आया। बस अब निकल चुके हैं घर की तरफ, तो यहाँ से हमारा रास्ता है 40-50 मिनट का, बस ट्रैफिक ना मिले ना तो हम लोग पहुंच जाएंगे, अगर ट्रैफिक मिला ना फिर टाइम लग जाएगा 1 घंटे से ऊपर। और साथ ही साथ ना गाइस कल चीकू का स्कूल भी है, तो मेरे को जाते ही ना सबसे पहले ना चीकू को होमवर्क कराना है, ज्यादा होमवर्क नहीं मिला, मैंने इसकी ऐप में चेक कर लिया। पहले क्या था, हम जब छोटे होते थे ना तो हमारी डायरी होती थी, दिक्कत होती थी कि हाँ यार डायरी में क्या होमवर्क है, डायरी देखो, पर आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो होमवर्क इसका ऐप में ऑनलाइन अपडेट हो जाता है, होमवर्क चेक कर लिया मैंने, 2 होमवर्क मिले हुए हैं, घर जाते होमवर्क कराऊंगी, इसको खाना खिला के सुलाऊंगी, और कल इसका मॉर्निंग में स्कूल है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सारे गेम्स खत्म करके घर, अयान तो बस सो रहे हैं यहाँ पे, जैद मेरी गोद में है, तो इसी व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 गाइस।